एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा में पहली मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच करेगी दिल्ली हिंसा की जांच। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, खरगोन हिंसा से जुड़ी आपको बड़ी खबर आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले दिल्ली हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच करेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। हनुमान जयंती के दिन जो दिल्ली में हिंसा हुई जहांगीरपुरी में, वहां पर अभी फॉरेंसिक की टीम मौजूद है और लगातार तथ्यों की तलाश कर रही है, सबूत तलाश रही है। और दूसरी तरफ बड़ी खबर ये कि इस पूरी हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली हिंसा की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। इसके पहले ये बता दें आपको कि 21 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको खंगाला जा रहा है, और उसी के आधार पर पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। साथ ही जितने भी यहां इलाके में सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाल रही है पुलिस। तो अब ये बड़ी खबर ये कि क्राइम ब्रांच को हिंसा की जांच ट्रांसफर कर दी गई है। अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अब क्राइम ब्रांच करेगी जांच? जी, अब औपचारिक तौर पर इस मामले की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। इसमें एक डीसीपी की देखरेख में 5 एसीपी और 10 इंस्पेक्टर्स की टीम बनाई गई है, जिनको 14 कोण पर जांच करनी है, 14 अलग अलग एस्पेक्ट पर जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें बांग्लादेशी एंगल पर भी जांच की जा रही है, जिसके लिए तमाम जो आसपास के लोग और जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो आरोप लगा रही थी कि बांग्लादेशियों का भी इसमें हाथ हो सकता है, तो उसको भी पुलिस ने महत्वपूर्ण तरीके से अपने जांच के एस्पेक्ट में रखा है। इसके अलावा अलग अलग टीमों को अलग अलग काम दिए हैं, जैसे कि सीडीआर निकालना या फिर मोबाइल फोन का डंप डाटा, क्योंकि उस समय भीड़ थी, कितने फोन वहां पर एक्टिव थे और कौन उसमें जो उपद्रव हुआ है उसमें शामिल हो सकता है, उन सबके लिए जांच में डंप डाटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी जांच की जाएगी। एफआरएस सिस्टम होता है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, वो भीड़ में जो सीसीटीवी फुटेज आएंगे या ग्रैब आएंगे उनसे, वो एक सॉफ्टवेयर होता है, उन चेहरों को पहचाना जाएगा कि क्या ये लोग हिंसा में शामिल थे या नहीं, और उनका अगर कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो उससे वो मैच किया जाएगा, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ने में काफी सफलता प्राप्त कर सकती है। और जो है अभी तक की जो भी जांच हुई है लोकल पुलिस द्वारा या जो भी कार्रवाई हुई है उसका भी एग्जामिनेशन किया जा रहा है, और एफएसएल की टीम आज भी क्राइम ब्रांच की मौके पर पहुंची है सबूत एकत्र करने के लिए। तो इस तरीके से 14 डिफरेंट एस्पेक्ट पर अब क्राइम ब्रांच ने जांच अपनी शुरू कर दी है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौके पर भी क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि अभी फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है, वहां पर भी लगातार जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ बड़ी खबर दर्शकों को ये बता दें कि क्राइम ब्रांच के भी जो अधिकारी हैं, जो जांच टीम में शामिल हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और 14 ऐसे फैक्टर्स हैं, अलग अलग एंगल्स हैं जिसको लेकर जांच की जाएगी, जिसमें एक बांग्लादेशी फैक्टर भी है, उसको लेकर भी क्राइम ब्रांच जांच करेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।